हाय एवरीवन, दिस इज़ सीए नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड के हर टाइप पे टैक्स कैसे लगता है और किस फॉर्म में आप सबसे ज़्यादा टैक्स को सेव कर सकते हैं, और इवन मैं बोलूँगी आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि गोल्ड के कौन कौन से टाइप पे कितना कितना टैक्स लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। इंडिया में गोल्ड को एक एसेट की तरह देखा जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% हाउसहोल्ड्स के पास गोल्ड है। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो पेपर गोल्ड हो सकता है, वो किसी भी तरीके का गोल्ड हो सकता है, बट इंडियन फैमिलीज मोर देन 75% जो इंडिया की फैमिली है गोल्ड ओन करती है। तो ऐसे में गोल्ड की टैक्सेशन को समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं साथ में यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ, वो है स्त्री धन। इंडियन वुमेन अपने स्त्री धन से इमोशनली कनेक्टेड होती है। स्त्री धन उनके अकॉर्डिंग जो पैसा उनको मिल रहा है वो स्त्री धन है। बट अगर मैं लॉ लैंग्वेज में बात करूँ तो स्त्री धन का मतलब होता है चाहे वो पैसा, चाहे वो एसेट, चाहे वो ऑर्नामेंट, चाहे कुछ भी चीज़, अगर एक लेडी को उसकी शादी के टाइम पर या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर या फिर एक विडो जब वो होती है उस टाइम पर जो भी सामान मिलता है वो उसका स्त्री धन होता है। इट मीन्स उसकी ऑनर होती है। तो कहीं ना कहीं विमेन अपने स्त्री धन से इमोशनली कनेक्ट भी हो जाती है, और जो कि बिल्कुल अनडाउटली एक्चुअल सिचुएशन है जहाँ पर एक लेडी स्त्री धन से कनेक्टेड है। बट वो उस एसेट को जब तक जोड़ के रखती है जब तक कोई बुरा टाइम नहीं आता। वो हमेशा कोशिश करती है कि एक एसेट, मैं इंडिया में बहुत सारी उन लेडीज़ का एग्जांपल ले रही हूँ जो आज भी गोल्ड को एसेट मान के उनको जोड़ के रखती है कि लॉन्ग रन में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ही वो उसको सेल करेंगी, अदरवाइज़ वो उसको वैसे ही रखती है जैसे उनको मिला होता है। तो इसीलिए गोल्ड एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रीज़न बीइंग, जब स्त्री धन की बात आती है तो अगर शादी के टाइम पर एक लेडी को उसके पेरेंट्स गोल्ड दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे डोरी को प्रवोक नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मिले हुए सारे स्त्री धन में से गोल्ड सबसे बड़ा स्त्री धन कैसे है, वो ही सबसे बड़ा एसेट क्यों है। तो जब एक पेरेंट्स अपनी बेटी को गोल्ड दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल AC, फ्रिज, फर्नीचर दे रहे हैं या फिर कुछ कपड़े दे रहे हैं, उन सब में ही सबकी वैल्यू ईयर बाय ईयर कम हो जाएगी, बट गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे में हम सबको गोल्ड के टैक्सेशन के बारे में बिल्कुल क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, जब आप गोल्ड को बेचने जाएंगे तो उस टाइम पर टैक्सेशन में आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपना एक लमसम अमाउंट दे बैठेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ध्यान से समझें। मैं सारे ही पार्ट्स कवर करने वाली हूँ और सबसे बड़ा पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस फॉर्म में आप सबसे ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तीन तरीके के गोल्ड को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड एंड पेपर गोल्ड। अगर आप डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में टैक्सेशन सेम है। इट मीन्स अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हैं उस गोल्ड को तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मीन्स आपका जो इनकम है यहाँ पे, जो भी आपको उससे कैपिटल गेन हुआ है वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा और आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप उसे 3 साल बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा, और जो है 20% प्लस सेस, सो इसलिए इट विल रफली अराउंड 20.8%। तो और इसके अंदर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले सकते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट मीन्स अगर जो भी इंडेक्सेशन का रेट उस टाइम पे चल रहा होगा, अगर आपने उसे होल्ड किया हुआ है तो उससे आप मल्टीप्लाई करके इंडेक्स वैल्यू निकाल सकते हैं अपने एसेट्स की। इसके लिए हमेशा हमारे पास एक CII आता है जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आपका टैक्स का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप इंडेक्सेशन को इंक्लूड करते हैं तो। सो ये तो बात थी फिजिकल गोल्ड की और डिजिटल गोल्ड की। अब हम बात करते हैं SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। उसके अंदर उसकी सबसे खासियत बात ये है, अगर आप SGB को उसके मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हैं तो उसको सेल करने के टाइम पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है।
यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप SGB को 8 सालों तक होल्ड करते हैं और जब भी आप उसे बेचते हैं 8 साल के बाद उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। बट यस, उससे आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जिस पे आपको टैक्स देना होगा, जो कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा और आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स देना होगा। बट SGB अपने आप में ऑब्वियसली बहुत अच्छा एसेट बन चुका है पिछले कुछ टाइम से, रीज़न बिंग आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है और साथ में जो भी गोल्ड रेट में वेरिएशन हो रहा है वो भी आपको दे रहा है। बट एक सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें आपको टैक्स का फ़ायदा तो होने ही वाला है, प्लस फिजिकल गोल्ड से आप उसको संभालने के चक्कर से भी बच जाएंगे। अगर आपको किसी को गोल्ड गिफ्ट ही करना है तो आप उसे SGB भी गिफ्ट कर सकते हैं। SGB के अंदर भी सेम टैक्स रेट लगते हैं। अगर आप उसे 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा, इट मीन्स जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको अपने स्लैब रेट पर टैक्स देना होगा। और अगर आप उसे 3 साल बाद बेचते हैं तो आपको उस पर देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट। और वहीं अगर आप उसे 8 साल बाद बेचते हैं तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक अपने आप में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। रिसेंटली इंडिया में हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हुई जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि कैश की प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर आपने कोई पुराना गोल्ड लिया हुआ है और आपको लगता है कि लॉन्ग रन में मैं इसको कैश में बेच के वो जब भी ज़रूरत होगी मैं टैक्स से बच जाऊँगा बिकॉज मैं उसे कैश में बेच दूँगा, तो हो सकता है उस टाइम पर वो सिचुएशन ही ना रहे कि आप उसे कैश में बेच पाए। तो इसलिए बेटर है कि आप जब भी ले SGB ले, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल गोल्ड ले रहे हैं जो कि ज़रूरी भी है अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या फिर आपको ज्वेलरी का शौक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप टैक्स रेट्स को ज़रूर ध्यान रखें। सो मैंने मेजरली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। स्टिल अगर आपको गोल्ड में टैक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, आई वुड लव टू हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।